अरे वाह, आज तो मुझे तानिया के घर जाना है। चलो जल्दी से नहा के अपनी नई साड़ी पहन लेती हूँ। और वो नहाने जाती है। और ये देखिए, फाइनली मेरी डॉल तैयार होके आ गई। अरे जल्दी कीजिए, तानिया के घर नहीं जाना क्या? अच्छा चलते हैं। अच्छा रुकिए, मैं अपना पर्स और हील पहन के आती हूँ। और आज ये चीज़ें पहनने वाली थी। और ये देखिए, ये अपना पर्स, नेकलेस, जूती पहन के आ गई है। ये देखिए बच्चों, जल्दी आओ। ये हैं उसके तीन बच्चे, तीन जुड़वा, जिनके तीनों की बारी पिंक है। अरे कहाँ जा रही हो? अरे बस कहीं नहीं, उसके घर जा रही थी। बस कहीं नहीं, अपनी कजन तानिया के घर जा रही थी। शहर? हाँ तो क्या होता है, वहाँ के लोग तुम्हें नहीं पता बड़े चालाक होते हैं। हाँ जानती हूँ, लेकिन मैं भी कुछ कम चालाक नहीं हूँ। आप चलाइए और कुछ ही देर में पहुंच जाते हैं और जाने लगते हैं रास्ते में। अरे शहर इतना दूर है क्या? मम्मी मम्मी, हमें छींची आई है। अच्छा बच्चों जाओ, कर आओ। दिला दिया। अच्छा बेटा जाओ, छींची कराओ, यहाँ पास में कोई दरख्त के नीचे। लुको लुको, मैं ले लिया, लुको ली ली ली। बच्चों मेरे कपड़े सारे खराब कर रहे हैं अपने गंदे पैर। जूता नहीं पहन के आ सकते थे क्या? गाँव में जूते तो मिलते हैं। ठीक बैठे हो ना सब लोग? यस मम्मी। अच्छा आप तेज चलो। जब मैंने पूछा था फिर नहीं बताया था? अरे धूप है। हाँ धूप तो होगी। अब तेज ना चलाना पापा। अब शहर इतना दूर है क्या? मेरे को क्या मालूम था। अच्छा, अरे कितनी धूप है। स्कूल होते हैं क्या शहर में? स्कूल होते हैं शहर में? स्कूल क्या? स्कूल की नानी, मामा, चाचू, खालू भी होते हैं। आह अरे सब लोग कस के बैठ जाओ, सब लोग नीचे उतर के ठीक ठीक बैठो। आगे से पुल आने वाले तो मुझे देर चलाना, क्योंकि मैं वहाँ पे ट्रैफिक होती है, एक्सीडेंट का खतरा होता है। अरे मैं शहर कभी नहीं आऊँगी। चलो बच्चों रुको, तुम्हें ठीक से बिठाऊँ। अरे मेरे लिए लुको पापा, इसकी जगह नहीं से आगे बिठा दें। और उसकी बेटी खट जाती है और सारे आराम से आ जाते हैं। और वो लोग जाने लगते हैं, और वो जाने लगते हैं। उफ रे शहर तो इतना दूर है। हाय रे, थोड़ी देर किसी होटल में आराम कर लें क्या? अरे तुम्हें पता नहीं है, जैसे हमारे पास अभी इतने पैसे भी नहीं है। अरे कट्ठा, आह बेचारों का बहुत बुरा हाल था। आए अरे किसी को कुछ हुआ तो नहीं? आए मेरी तो हिम्मत ही नहीं है। आपने ठीक कहा था, किसी को कुछ हुआ तो नहीं? मम्मी मुझे कुछ भी नहीं हुआ, बस मैं ट्रक से नीचे गिरी। दीदी दोनों को देखो, कहीं उन्हें चोट तो नहीं? पापा पापा उठिए, पापा आपको क्या हो गया? उस रोड पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक थी और उसके पापा, उसकी बीवी बहुत रोती है। पापा पापा, दो बेटियां तो वैसे ही बहुत ज्यादा बेहोश थी। कुछ देर बाद वो हॉस्पिटल से वापस आते हैं। किसी को कुछ हुआ तो नहीं है? अरे नहीं नहीं मम्मी, बच्चों नहीं नहीं मम्मी, कुछ नहीं हुआ। मम्मी पापा जल्दी चलाए ना। नहीं नहीं अब कोई जल्दी नहीं करेगी, पिछली बार आपको मैंने कहा भी था आराम से चलाना, अब हुआ ना एक्सीडेंट। मेरे अंदर अब बिल्कुल कमजोरी है, चलिए अब। और आखिर इतनी मेहनत के बाद वो अपने कंधा के घर पहुँच जाते हैं। अरे लगता है कोई आया है, रुके मैं देख के आती हूँ। अरे तुम मत जाओ। अरे चाची चाचा आप लोग, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं चाची? मैं ठीक हूँ बेटा। चाचा कहाँ हैं? वो बाहर गाड़ी खड़ा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम चाची। वालेकुम सलाम बेटा, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? चाचा कहाँ हैं? वो बाहर गाड़ी खड़ा रहे हैं, रुके मैंने लेके आता हूँ। और सुनाए कैसे हैं आप लोग? अरे मत ही पूछो हमारी हालत, रास्ते में हमारा एक्सीडेंट हो गया था। कैसे कैसे क्या हुआ? अरे हम लोग जा रहे थे, वो जो फलसफी रोड है ना, उसी पे एक्सीडेंट हुआ। अरे चाचा मैं आपको क्या बताऊँ, वहाँ पे तो इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं, क्या कहें अब, लोगों की तो जान ही जैसे जा रही हूँ मानो। अरे आप कैसे आए फिर? अरे ये लाइट का बिना,
रुको ये मैं देख के आता हूँ, आप फिक्र मत कीजिए अभी आ जाएगी। अच्छा आप कैसे आए हैं फिर? अरे क्या बताऊँ, बड़े मुश्किल से आए हैं हम लोग। आप लेट हैं ना, क्यों आए हैं? हमें कोई कमरा दिखा दो, बहुत खून बहा है तुम्हारे चाचा का। पास के शुक्र है हॉस्पिटल सामने सड़क पे था। अब आपको एक महीना इधर ही रहना होगा। अरे हाँ भैया मेरे से हटो, उफ भैया आप भी ना कमाल करते हैं। चाची आइए मैं आपको आपका कमरा दिखाती हूँ। आप दोनों जब तक पानी पीजिए, मैं कुछ खाने का इंतजाम करती हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है। छोटी ने कमरा दिखा दो तो आइए। अले ताती अले ताता अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अले ताती अले अले ताता। ओ मेरे प्यारे बच्चों, अरे हमारे दोस्त हैं, हमारे दोस्त हैं। चलो दोस्तों हम बात करते हैं। अली थोड़ा तो मेरी थल में चाल गाड़ी वाली गाड़ी वा ए बी सी डी क्या रहा सीखा। बच्चों साइलेंट, बच्चों बाहर बगीचे में जाके खेलो, बहुत मजा आएगा। और वो तीन बहनें एक ही साथ उठती हैं और शोर में जा देती हैं। पता फिर क्या हुआ? फिर उसने कहा तुम्हें बतानी थी, तुमने फोन पे था तो तुम मुझे एक बात बताओ थी। मेरी हड्डी टूट गई लगता, मुझे तलमाना पते था। अरे तुम लोग टुप कर लो देखो ब्रा। और वो दोनों बहन शरारती बेचारे तीनों को मार देती हैं जो गाँव से। हम नहीं बोलते तुम्हारे दादे ना, हमारे हम आज पार्क में भी दाएंगे। क्या तुम लोग तो पार्क में दाने वाले थे? तुम बहुत बुरी हो, तुम हमें मार रही थी इसीलिए हमने तुमने तुम्हें मारा वाला। हम किसी को भी नहीं मारते। हाँ और वो लोग जाने लगते हैं। तुम्हारे पैर तो बहुत हूँ। नहीं मैं तो ऐसे ही ठीक हूँ। क्या हो, क्यों रो रहे हो? मम्मी इन दोनों ने मुझे मारा। लो आते ही अब उन दोनों की चिताने शुरू हो गई। को क्या भी जाती है इन लोगों को? अरे क्या होता है, क्या आएगा? हम उनके घर भी नहीं आएंगे, इतने बुरे बच्चे बन गए हैं। देखिए मुझे तो लगता है हमें अब हमने गांव वापस ही जाना होगा। फिर मारो मारोगी फिर उसे? फिर मारोगी उसे? आप ही मत मारो। अरे क्यों मार रही हो इतना बच्चों को? मजाक कर रहे थे मम्मी, देखे ना इन्होंने मार दिया। अरे क्यों मार रही हो इन लोगों को? आपको पता नहीं है मेहमान आई हुई, चाची की बेटी आई हुई, इन्हें मार रही है ये। और वो इन दोनों बच्चों की बातों को सच मान लेती है और अपनी बहन को उस घर से निकाल देती है। निकल जाओ और अपने हॉस्टल चली जाओ, मेरे बच्चों को तंग कर देती है। माँ आप क्या कह रही हो? जाओ मेरे बच्चों को परेशान करेगा उसके साथ यही होगा, निकल जाओ। माँ मैं सच कह रही हूँ, माँ की कसम। अरे मैं तो मजाक कर रही थी। तुम बिना मजाक ऐसे